प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ मंदिर परिसर और आसपास की कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन प्रोजेक्ट्स में सोमनाथ के पुराने मंदिर परिसर का पुनर्निर्माण, सोमनाथ सैरगाह और प्रदर्शनी केंद्र है, जबकि सोमनाथ मंदिर परिसर में प्राचीन पार्वती मंदिर को फिर से बनाने के लिए शिलान्यास भी उन्होंने किया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस सारे प्रोजेक्ट्स को सोमनाथ प्रोमेनेड का नाम दिया गया है। सरकार की प्रसाद योजना के तहत सभी प्रोजेक्ट्स को 47 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। पर्यटक सुविधा केंद्र के परिसर में जो सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र बनाया गया है, उसमें मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनी के तोड़े गए सोमनाथ मंदिर के हिस्सों को और पुराने मंदिर की नागर शैली वाली मूर्तियों को रखा गया है। विकास के मामले में गुजरात दुनिया के कई विकसित शहरों को मात देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये शिव ही हैं जो विनाश में भी विकास का बीज अंकुरित करते हैं, संहार में भी सृजन को जन्म देते हैं। इसलिए शिव अविनाशी हैं, अव्यक्त हैं और अनादि हैं। शिव में हमारी आस्था हमें समय की सीमाओं से परे हमारे अस्तित्व का बोध कराती है। प्रधानमंत्री ने कहा, सोमनाथ आने वाले श्रद्धालु अब यहाँ जूना सोमनाथ मंदिर के भी आकर्षक स्वरूप का दर्शन करेंगे, नए पार्वती मंदिर का दर्शन भी करेंगे। इससे यहाँ नए अवसरों और नए रोजगारों का भी सृजन होगा और स्थान की दिव्यता भी बढ़ेगी। सोमनाथ के पुनर्निर्मित मंदिर परिसर को श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा 3.5 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ पूरा किया गया है। इस मंदिर को अहिल्याबाई मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसे इंदौर की रानी अहिल्याबाई द्वारा तब बनाया गया था जब उन्होंने पाया कि पुराना मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए संपूर्ण पुराने मंदिर परिसर का समग्र रूप से पुनर्विकास किया गया है। श्री पार्वती मंदिर का निर्माण 30 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से किया जाना प्रस्तावित है। इसमें सोमपुरा सलात शैली में मंदिर का निर्माण, गर्भगृह और नृत्य मंडप का विकास करना शामिल होगा। महीने भर पहले मोदी ने गुजरात में कई नेशनल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया था। इसमें रेलवे परियोजना से लेकर नेचर पार्क समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था। इनमें उनके पैतृक शहर वडनगर का रेलवे स्टेशन भी शामिल था। वहीं एक्वेटिक्स एंड रोबोटिक्स गैलरी और गुजरात साइंस सिटी में नेचर पार्क का भी उद्घाटन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।